वेलकम गाइज, मैं हूं सौरभ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में। यहां पर दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 20 फरवरी को लगभग 7 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना के तहत जो मिलने वाली पहली किस्त की राशि है दोस्तों, वो लाभार्थियों के अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, इससे संबंधित आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और कौन कौन से लाभार्थियों को पैसे मिलेंगे सभी लाभार्थियों की सूची भी निकाल के दिखाऊंगा। तो वीडियो में साथियों अंत तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोस हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग आ जाएंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर जो एफटीओ ट्रैकिंग का सेक्शन है, इसमें हम लोग एफटीओ को यहां पर ट्रैकिंग किए हुए हैं, जिसमें दोस्तों एक एफटीओ है जिसके अंतर्गत जो डेटा है उसे जो पीएफएमएस को सेंड की गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एफटीओ सेंड टू पीएफएमएस 17/2/2023 यानी कि आज के डेट में ये सेंड की गई है। और दोस्तों, ये अभी तक जो है पीएफएमएस के अंतर्गत रिसीव नहीं हुई है, यानी कि दोस्तों ये जो जितने भी लाभार्थी हैं इस एफटीओ के अंतर्गत, इन्हें जो पैसे हैं वो 20 फरवरी को उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। यहां पर जो लाभार्थियों की संख्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सभी लाभार्थियों का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आईएफएससी कोड बैंक का, इंस्टॉलमेंट के आधार पर कितने रुपए मिल रहे हैं, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद दोस्तों और भी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस एफटीओ के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कितने लाभार्थियों को पेमेंट मिलेंगे एक ही एफटीओ के अंतर्गत। यहां पर सभी जो डिटेल्स है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। इस एफटीओ के अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं कि 63 लाभार्थियों को जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे लाभार्थियों के अकाउंट में। और उसके बाद दोस्तों, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो एफटीओ है वो बनाई गई है, लगभग 7 लाख लाभार्थी है जिसमें बहुत सारे एफटीओ के अंतर्गत लाभार्थियों को जोड़कर एक साथ जो है पेमेंट देने की जो तैयारी है वो की गई है। सभी लाभार्थियों को पेमेंट मिलेंगे 20 फरवरी को। इससे संबंधित मैं आप लोगों को और भी डिटेल दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करते हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आप लोग भी जो है किस तरीके से पता लगा सकते हैं, आपने जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन दिए थे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है, उसे आप कैसे ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आपको जो पैसे हैं वो कब तक मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर आने के बाद दोस्तों, आपको स्टेक होल्डर पर क्लिक करके IAYPMAYG पर क्लिक कर लेना होगा। यहां पर इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था साथियों, उसे हम लोग क्लिक करके सिंपली यहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी का डिटेल है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहां पर रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आप देख सकते हैं। और जैसे हम लोग नीचे जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर आपको जो एफटीओ नंबर है वो आपको दिखाई देता है, कितने रुपए के लिए एफटीओ जनरेट की गई है। 40,000 रुपए की यह पहली किस्त है, इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं। और उसके बाद किस्त तिथि को जो ऑर्डर शीट बना है 16 तारीख को, लेकिन जो एफटीओ बना है दोस्तों आप देख सकते हैं 17 तारीख को एफटीओ को भेजा गया है। यहां पर लाभार्थी का और भी डिटेल आप यहां से चेक कर सकेंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप भी पता लगा सकते हैं कि आपको कब तक आवास मिलने वाला है, अगर आपके भी बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत एफटीओ बन चुका है और उसे फॉरवर्ड की गई है। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली जो ये एफटीओ है इसे कॉपी कर लेंगे और दोस्तों यहां पर आपको ऊपर आ जाना होगा। ऊपर आने के बाद सिंपली आवास सॉफ्ट पर क्लिक करेंगे। आवास सॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद एफटीओ ट्रैकिंग पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहां पर जो एफटीओ फिल करने की जो प्रोसेस है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। हम लोग सिंपली साथियों यहां पर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा है इस पर जो भी सेम कैप्चा दिया हुआ है उसे हम लोग यहां से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद सिंपली साथियों हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं एफटीओ अभी सेंड की गई है पीएफएमएस को, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाभार्थियों का डिटेल भी देख सकेंगे। तो साथियों, लगभग 7 लाख लाभार्थियों को आवास मिलेंगे अगर आपने भी आवेदन दिए थे और आपके भी बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत एफटीओ बन चुका है, तो आपको भी 20 फरवरी को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जो पहली किस्त की राशि है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।